आप देख रहे हैं केवल जिला अंतर्गत विभूतिपुर थाना क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क हादसे में दो व्यक्ति की मौत हो गई। पहली घटना भरपूरा में हुई, जहां सड़क दुर्घटना में 49 वर्षीय अधेड़ी की मौत कार के टक्कर से हो गई। मृतक की पहचान भरपूरा निवासी विपिन बिहारी चौधरी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि विपिन बिहारी चौधरी सिंघिया घाट से अपने घरेलू सामान लेकर घर की ओर जा रहे थे। इसी बीच भरपूरा पेट्रोल पंप के पास आगे भामरा के पास विपरीत दिशा से तेजी गति से आ रही एक कार ने ठोकर मार दिया, जिसमें वह पूरी तरह घायल हो गए। इसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर लाया जा रहा था, इसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। इसके अलावा घटना में शामिल कार को भी जब्त कर थाना लाया गया है। वहीं दूसरी घटना खोखसा चौक पर हुई, जहां दो बाइक सवारों की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान ढाब मोहल्ला रोसड़ा निवासी अरुण प्रसाद शाह के पुत्र मनीष कुमार शाह के रूप में की गई है। बताया गया है कि मनीष कान नाक रोल गोल के ज्वेलरों के फेरी का काम करता था। वह सिंघिया घाट से खोखसा की ओर जा रहा था। खोखसा चौक पहुंचते ही एक लड़की जो बाइक सीख रही थी उसके आमने सामने टक्कर हो गया। इस घटना में मनीष बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी अवस्था में मनीष को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।